अब आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। 51,000 करने के साथ एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। हम लोग इसी महीने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और वह है प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, स्वच्छ भारत मिशन का अभियान हो, या फिर इससे जुड़े हुए अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं, इन सब के साथ जोड़ते हुए बालक और बालिकाओं में भेद न हो, उनके सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, इन सब के बारे में बेहतर प्रयास हो सके, इसके लिए भी हमारी सरकार इसी महीने बालिका के जन्म होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ ही एक निश्चित राशि हम उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। एक वर्ष के होने पर सभी प्रकार की टीकाकरण से आच्छादन के साथ ही उस परिवार को फिर से एक निश्चित राशि उपलब्ध होगी। बालिका पहली क्लास में जाएगी, पांचवीं क्लास में, छठी क्लास में, नौवीं क्लास में, या फिर स्नातक के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के साथ ही हम एक पैकेज उस परिवार को उपलब्ध कराएंगे। जन्म से लेकर स्नातक तक प्रत्येक बालिका के लिए 15,000 रुपये की यह राशि कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से हम बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकार हमारी प्रारंभ करने जा रही है। एक अद्भुत कार्यक्रम होगा, जो बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है, मुझे लगता है कि आज का यह आयोजन हम सबको उनके प्रति सम्मान के साथ साथ उनके संरक्षण और उनके सशक्तिकरण की दिशा में नए कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं इस अवसर पर मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ और केंद्र और प्रदेश सरकार नारी गरिमा, बालिका सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए जिस प्रकार के आयोजन कर रही है, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की ही श्रृंखला में आज भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक प्रमुख आयोजन शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है। प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं का पूजन के साथ ही उन सभी को यहाँ पर प्रसाद आदि की व्यवस्था आज की गई थी और उनको यहाँ पर सम्मान भी दिया गया है। मैं इस अवसर पर आप सबको शारदीय नवरात्रि की भी और विजयादशमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। महाराज जी, परसों आपका बयान आया था कि आप लोगों की बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली, आखिर वो खुशखबरी क्या है? देखिए, मैंने बयान इस जो दिया है वह अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा है। अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में मेरा बयान वह मुख्य रूप से विगत 3 वर्ष से जो कार्यक्रम हम अयोध्या में कर रहे हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम, यद्यपि हमें इस बात को मानना चाहिए कि दीपावली का आयोजन पूरे देश के अंदर भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में मनाया जाता था। अयोध्या से परंपरा प्रारंभ हुई थी, लेकिन बीच का एक कालखंड ऐसा था जब अयोध्या में ये परंपराएं एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। अयोध्या को उसका वैभव प्राप्त हो, अयोध्या उस सम्मान की हकदार बने, इस दृष्टि से अनेक आयोजनों को हमने इसके साथ जोड़ा है। विगत 3 वर्ष से सरकार वहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर जहां जहां भी भगवान राम की यह पवित्र लीला गई है, वहां से रामलीलाओं को हम आमंत्रित करते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस या फिर मॉरिशस, रसिया, जापान और तमाम अन्य, श्रीलंका, तमाम अन्य देशों की रामलीलाएं भी इस अवसर पर हम अयोध्या में बुलाते हैं। और इस बार 26 अक्टूबर की तिथि हम लोगों ने तय की है। 551,000 दीपों का उत्सव अयोध्या में
सरयू जी के घाट पर, तट पर, राम जी की पेड़ी पर, हर आश्रम और हर परिवार अपने अपने घरों में भी दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, इस एक संकल्प के साथ हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। दूसरा, उन विदेशों से भी आई हुई रामलीलाओं का मंचन वहां पर, इंडोनेशिया से जुड़ी हुई रामलीला जब होती है तो आप देख के आश्चर्य करेंगे कि उसमें सभी पात्र मुस्लिम होते हैं, लेकिन कोई राम की भूमिका में है, कोई कृष्ण, कोई लक्ष्मण की भूमिका में है, कोई भरत की भूमिका में है, कोई माता सीता की भूमिका में है, कोई हनुमान जी की भूमिका में है, और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इंडोनेशिया से आए हुए दल से मैंने विगत पर से पूछा था, मैंने कहा भी आपके यहाँ आप इस्लाम के अनुयायी हैं और रामलीला में पात्र बने हुए हैं, उन्होंने कहा इस्लाम हमारी पूजा पद्धति है लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने उस समय कही थी, और ये भाव वहाँ बना हुआ है। थाईलैंड में ऐसे, लाओस में, कंबोडिया में या फिर श्रीलंका में भी बहुत अच्छे ढंग से आयोजन होते हैं, और मंचन को देख करके भले ही भाषा की भिन्नता होगी लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं, और रामलीला का आयोजन इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम अयोध्या को जोड़ने जा रहे हैं। अयोध्या विकास की एक प्रक्रिया के साथ जुड़ा है विगत 2.5 वर्ष के दौरान, उस विकास की प्रक्रिया को एक मूर्त रूप देने का भी एक अवसर होता है हमारे पास दीपोत्सव अवसर, और अयोध्या वासियों को यह एक खुशखबरी कि इस बार हर एक घर भी दीपोत्सव के साथ जुड़े। यह आयोजन मेरी शुरू से ये भावना रही है कि केवल सरकारी आयोजन नहीं होना चाहिए, आम जन की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। हम दिखा रहे थे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने आज नवमी के दिन मुख्यमंत्री आवास में कन्या भोज और कन्या पूजन का आयोजन किया। यहां पर उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात भी रखी, अयोध्या मामले पर और समाज में बेटियों को लेकर भी उन्होंने कई सारी मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। तो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे और कन्या भोजन का आयोजन किया, साथ ही कन्याओं का सम्मान भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवरात्रि हमें नारी शक्ति का महत्व बताती है, और कन्याओं का सम्मान देते हुए भी उन्होंने कहा कि संसार की नारी व्यवस्थाओं को आदिशक्ति भगवती संचालित करती है, इनके अनंत रूप है, वो प्रधान 9 रूपों में नवदुर्गा बनकर संपूर्ण पृथ्वी पर करुणा की वर्षा करती है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा की भी प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी, और साथ ही इस त्यौहार को, इस पर्व को लोगों को परस्पर प्रेम और सौहार्द से मनाने की अपील भी की है। तो हम दिखा रहे थे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अयोध्या मामले को लेकर भी कई सारी अपनी बात रखी, साथ ही आज उन्होंने रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर कन्या भोज एवं पूजन का आयोजन किया और कन्याओं का सम्मान भी किया, साथ ही प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी।